हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पारुल शर्मा, डिफेंस शेल्टर ग्रुप यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हर रोज़ न्यू सेगमेंट्स लेके आते हैं हम। तो आज मैं लेके आई हूँ, एयरपोर्ट रोड पे लोकेटेड है ये, बहुत ही लग्जरियस सेगमेंट है। तो आइए एक बार फ्लैट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करती हूँ मैं फ्लैट की, तो फ्लैट में एंटर होने से पहले मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ तो 3400 इसका स्क्वायर फीट एरिया रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे, एंट्रेंस के बिल्कुल साइड में ही जो है आपका सर्वेंट रूम दिया है, अलग से एंट्रेंस रहेगी इसकी। तो अब हम एंटर करते हैं अपने सैम्पल फ्लैट में। जैसे कि आप देख सकते हैं एंट्री में ही कितना स्पेशियस एरिया दिया हुआ है। अगर इसके एरिया की मैं बात करूँ, 6.85 के अप्रॉक्स एरिया है। इसके साथ में ही हमारा स्टोर रूम दिया हुआ है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्लैट के थोड़ा सा आगे एंटर करते ही अगर आप फ्रंट में देख सकते हैं, तो यहाँ पे बार काउंटर आपका दिया हुआ है। यहाँ पे इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे एज अ मंदिर बनाना है वो बना सकते हैं, एज अ लाइब्रेरी बनानी है वो बना सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग अगर सेकंड साइड चलते हैं हम, तो लिविंग एरिया बहुत ही लैविश तरीके का डिज़ाइन किया हुआ है, इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अगर इसकी मैं एरिया की बात करती हूँ, तो 12x23 का जो है वो एरिया रहेगा इसका। इसके साथ में इसकी सेकेंड एंट्री जो है वो इसकी रहेगी बैल्कनी की। बैल्कनी का जो व्यू है बहुत ही लैविश व्यू है। अगर मैं बात करती हूँ डाइनिंग एरिया की, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है डाइनिंग एरिया। जिस अकॉर्डिंग घर का सेटअप किया हुआ, आप अपने घर का सेटअप कर सकते हैं इसी अकॉर्डिंगली। तो आगे चलते हैं। अगर हम एंटर करते हैं, ये है घर का मेन एरिया जो रहता है अपना किचन का। ठीक है, आप देख सकते हैं किस अकॉर्डिंग किचन को यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये जो अपना ओवन का एरिया रहेगा, फ्रिज जो है फ्रिज इस अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ किया हुआ है। ठीक है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिल रहे हैं इसमें सब चीज़ें आपको। और अगर मैं बात करती हूँ किचन के वेट एंड ड्राई एरिया की, तो यहाँ पे ड्राई एरिया एंड वेट एरिया दोनों सेपरेट दिए हुए हैं। फ्रंट में आपका आ जाएगा ड्राई एरिया एंड सेकेंड आ जाएगा आपका वेट एरिया। जैसे कि हम किचन से बाहर आते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है आपको। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो फ्रंट में हमने जो है सर्वेंट रूम की बात करी थी, तो सर्वेंट रूम की जो सेकेंड एंट्री है वो यहाँ से है, किचन से डायरेक्ट एक्सेस रहेगा किचन का। तो आइए अब हम एंटर करते हैं यहाँ के लोबी एरिया में, जो बहुत स्पेशियस है। सभी रूम्स की अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो यहाँ से ही रहेगी। बट मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी पर्सनली फेवरेट है, यहाँ का फैमिली लॉन्च। जैसे आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ का भी जो था सिटिंग एरिया अलग था, एंड यहाँ का जो सिटिंग एरिया है वो आपका अलग रहेगा। आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के फर्स्ट बेडरूम में। अगर मैं फर्स्ट बेडरूम की बात करती हूँ, तो यहाँ का जो एरिया है 11x15 का रहेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर बेड लगाने के बावजूद भी इसमें कितना स्पेस अपना बच रहा है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट यहाँ का है यहाँ अटैच वॉशरूम। अगर मैं वार्डरोब्स की बात करती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट क्लोजर है, इसमें वार्डरोब्स रहेंगे आपके विद लाइट्स के साथ। एंड बैक साइड जो है इसमें आपकी बैल्कनी रहेगी, अटैच बैल्कनी है एवरी जो है हमारे पास हर एक बेडरूम के साथ। आइए अब हम चलते हैं यहाँ के सेकंड बेडरूम में, जिसके एरिया की अगर मैं बात करती हूँ, 11x14 का जो है इसका एरिया रहेगा, वही सेम साइज़ रहेगा ऑलमोस्ट। अगर मैं बेड की बात करूँ, बेड लगाने के बावजूद भी काफ़ी एरिया जो आप देख पा रहे हैं अभी। तो अगर मैं यहाँ के प्लस पॉइंट की बात करूँ, तो वो है यहाँ का वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम में यहाँ पे जो है आपको बाथटब प्रोवाइड कर रही है। और अगर मैं कबर्ड्स की बात करूँ, तो यहाँ पे सेम कबर्ड्स आपको दे रहे हैं कंपनी। एंड यहाँ का जो है रूम के साथ में ही आपको बेल्कनी का जो है अटैच रहेगा। अब हम एंटर करते हैं यहाँ के थर्ड रूम में, जिसका साइज़ जो रहेगा वो 11x15 का रहेगा। आप देख सकते हैं किस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है, आप ही उस अकॉर्डिंग अपना जो रूम है वो लेविश तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ के वॉशरूम की भी बात करूँ या कबर्ड की बात करूँ, यहाँ पे अलग से आपको ड्रेसिंग रूम दिया हुआ है। जो यहाँ का ड्रेसिंग रूम है, इस तरीके से काफ़ी स्पेशियस जो है कबर्ड रहेंगे विद लाइट्स के साथ। अब हम एंटर करते हैं अपने फोर्थ बेडरूम में, जो कि मास्टर बेडरूम रहेगा। अगर मैं इसकी फ्लोरिंग की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं वुडन की फ्लोरिंग रहेगी इसकी, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अगर मैं बात करते हुए यहाँ के एरिया की, तो यहाँ का एरिया जो है वो 12x17 का रहेगा।
अब हम एंटर करते हैं यहाँ के वॉशरूम में, जो वो काफ़ी लविश तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। एंटर करते हैं यहाँ पे जो आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, जो 5x5 का रहेगा। इसमें जो क्लोजेट्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। अगर मैं यहाँ के वॉशरूम की बात करती हूँ तो 6x10 का जो है यहाँ का एरिया रहेगा, काफ़ी अच्छा स्पेस जिसे बोलते हैं वो है इसमें। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक क्लिक कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंक्वायरी हो आपकी तो आप नीचे दिए गए कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। एंड ट्राई सिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्राई सिटी में अगर आप प्रॉपर्टी सर्च आउट कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो दिलवाने के लिए। एंड इसी तरीके की हमारी नई नई प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं, तो वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।